हेलो बच्चों, नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्रिया, क्रिया मतलब काम, कार्य करने वाले हर काम को हम क्रिया कहते हैं। तो आज हम देखेंगे क्रिया किस तरह से होते हैं, शब्दों में अगर व्याकरण के दृष्टि से क्रियाओं को अगर पहचानना है तो वो कैसे हैं करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्रिया क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए तो या प्रकट हो तो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब काम करने का हमें पता चलना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब मैं कुछ काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आपसे मैं बात कर रही हूँ। किस बारे में बात कर रही हूँ, क्रिया के बारे में बात कर रही हूँ। तो बात करना भी एक क्रिया ही होता है। उदाहरण देखिए, खाना पीना, खेलना, दौड़ना, गिरना आदि सभी क्रिया। इसके अलावा बैठना, डांटना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना सब कुछ क्रिया ही कहलाते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु मतलब छोटा सा कण, छोटा सा हिस्सा या छोटा सा भाग भी होता है, जिसे हम धातु कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्रिया और धातु के लिए कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, एक एक करके मैं पढ़ूंगी। मतलब क्रिया कैसे होते हैं और धातु शब्द उसका कैसे बनता, क्रिया का मूल रूप किस तरह से रहता है करके आपको पता चलता है। देखिए, उड़ना उड़, इसका धातु रूप। चलना चल, इसका धातु रूप। मिलना मिल, भागना भाग। तो ये हुए क्रिया और क्रिया के मूल रूप के बारे में चर्चा। आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे क्रिया के भेद कितने हैं, क्रिया में भेद कितने होते हैं, क्रिया के प्रकार कौन कौन से। अब तक आपने देखा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का मूल क्या है, क्रिया के एग्जाम्पल्स कैसे थे करके। तो क्रिया में हम तीन प्रकार देखते हैं, क्रिया में हम तीन भेद देखते हैं या क्रिया में तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया करके क्रिया के तीन प्रकार है। तो आज हम उसका पहला भाग जो है वह है अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया क्या है, क्यों इसको हम अकर्मक क्रिया ही कहते हैं, क्या वजह है जो तीन भागों में क्रिया को बांटा गया है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो काम का असर उसी व्यक्ति पर ही होना चाहिए, तभी वह अकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखने पर आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है और उसका असर उसी पर कैसे हो रहा है करके। देखिए, मोहन हंस रहा है, सीता बैठी है और रामू खेलता है। तीन अलग अलग कर्ताओं को आप देख रहे हैं और आपने डेफिनेशन सुना है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रियाएं कहलाते हैं अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर आप लोग कर्ता देख रहे हैं, मोहन, सीता और रामू, और इनका जो काम हो रहा है इन्हीं पर वहां असर हो रहा है, इसलिए इनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है, क्यों इनको हम सकर्मक कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और एक बार, जिस क्रिया का फल मतलब परिणाम कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक कहते हैं। अब तक आपने क्रिया का फल जो कर्ता कर रहा था वो कर्ता पर पड़ता हुआ देखा था, अब इस क्रिया का फल हम कर्म पर पड़ते हुए देखते हैं, मतलब उस काम पर पड़ते हुए देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, माँ खाना बना रही है, दिया लिख रही है, अध्यापिका पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये हैं सकर्म क्रिया के उदाहरण। तो यहाँ पर क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म पर उसका असर पड़ रहा है, इसलिए उनको हम सकर्म क्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष सूचना है, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि सकर्म क्रियाओं को कैसे पहचाना जाता है। ऊपर दिए उदाहरणों को क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वहां कहलाते हैं सकर्मक क्रिया, इसलिए वहां
सकर्म क्रिया है। अगर हमको फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या माँ क्या कर रही है, तो आंसर मिलता है सही सही कि माँ खाना बना रही है। तो सही आंसर मिल रहा है तो वह बनते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ है सकर्मक क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब हम आएंगे उसका तीसरा प्रकार, क्रिया का तीसरा भाग जो है द्विकर्मक क्रिया। द्वि मतलब दो, टू, तो दो कर्म एक साथ होते हैं जिसके लिए हम इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर एक साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है, यूज होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। उदाहरण देखिए, मैं बच्चे को संगीत सिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहे दो दो कर्म एक साथ ही दिखते हुए, करते हुए नजर आ रहे। नीता ने मीता को पुस्तक दी, गुरुजी ने विद्यार्थियों को गृह पाठ दी। तो एक साथ एक ही क्रिया में हम दो दो कर्मों को साथ में देखते हैं तो वह कहलाते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो आज की कक्षा में हम क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके उदाहरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या होता है, आदि बातों को आज हमने चर्चा की। तो आज के पाठ के आधार पर, मतलब क्रिया के आधार पर, आज का आपका होमवर्क इस तरह से है, गृह कार्य इस तरह से है। प्रश्न एक, अपने घर में एक पूरा दिन क्या क्या क्रियाएं करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। आप अपने पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप लोग क्या क्या काम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट कुछ 5 से 10 काम आप इस आंसर में लिखिए, इस प्रश्न के लिए लिखिए। प्रश्न दो है, हर क्रिया के लिए एक एक उदाहरण लिखिए, चाहे वो सकर्मक हो, अकर्मक हो या द्विकर्मक हो, सभी क्रियाओं के लिए हमें आप एक एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिखिए। प्रश्न तीन है, धातु को जोड़कर 10 क्रिया शब्द लिखिए। मैंने आपको जब क्रिया का डेफिनेशन दिया था मैंने कहा था कि क्रिया का मूल रूप धातु होता है, तो मैंने आपको वहां पर क्रिया और धातु के कुछ एग्जाम्पल्स लिख कर बताया था। उसी तरह आप उसे छोड़कर बाकी के 10 एग्जाम्पल्स अपने ग्रामर क्लासवर्क में लिखिए बच्चों। तो आज की कक्षा में आपने क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्ते।